हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। आज हम एसपीडी का जनरल साइंस का पार्ट टू देखेंगे। रिवाइज योरसेल्फ। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, मानव श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन क्या है? 5 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन क्या है? 10 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन क्या है? 12 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन क्या है? 15 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 12 सेंटीमीटर। तो मानव श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? कौन सा भाग? पहला ऑप्शन क्या है? प्रमस्तिष्क। दूसरा ऑप्शन क्या है? अनुमस्तिष्क। तीसरा ऑप्शन क्या है? मेंडुला। चौथा ऑप्शन क्या है? सभी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मेंडुला। मेंडुला क्या करता है? शरीर को श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री, मूत्र में पाया जाने वाला वर्णक पिगमेंट क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या है? यूरोफोम। दूसरा ऑप्शन क्या है? यूरोक्रोम। तीसरा ऑप्शन क्या है? यूरोग्राम। चौथा ऑप्शन क्या है? सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यूरोक्रोम। नेक्स्ट देखेंगे चौथा नंबर, मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? बाह्य निषेचन। दूसरा ऑप्शन क्या है? अंतः निषेचन। तीसरा ऑप्शन क्या है? दोनों। चौथा ऑप्शन क्या है? कोई भी नहीं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी अंतः निषेचन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क में चारों ओर पाया जाने वाला आवरण क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन क्या है? मेनिंजस। दूसरा ऑप्शन क्या है? पेरिकार्डियम। तीसरा ऑप्शन क्या है? हाइपोथैलेमस। चौथा ऑप्शन क्या है? फोरहेड। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मेनिंजस। नेक्स्ट देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन, स्मरण एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? पहला ऑप्शन क्या है? सेरिब्रम। दूसरा ऑप्शन क्या है? सेरिबेलम। तीसरा ऑप्शन क्या है? हाइपोथैलेमस। चौथा ऑप्शन क्या है? मेंडुला। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है? स्मरण और चिंतन का कार्य को देखता है। कौन करता है? ये सेरिब्रम करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन, शारीरिक संतुलन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? शारीरिक संतुलन। पहला ऑप्शन क्या है? सेरिब्रम। दूसरा ऑप्शन क्या है? सेरिबेलम। तीसरा ऑप्शन क्या है? मेंडुला। चौथा ऑप्शन क्या है? हाइपोथैलेमस। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सेरिबेलम। नेक्स्ट देखेंगे आठवां नंबर क्वेश्चन, थ्योरी एवं जंपिंग जीन्स का प्रतिपादक है? पहला ऑप्शन क्या है? आर्थर। पहला ऑप्शन क्या है? आर्थर कोरेनबर्ग। दूसरा ऑप्शन क्या है? बिडल एवं टॉटम। तीसरा ऑप्शन क्या है? मार्टिन। चौथा ऑप्शन क्या है? बारबरा मैकक्लिंटो। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नंबर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन, लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है? पहला ऑप्शन क्या है? 22वें जोड़ा। दूसरा ऑप्शन क्या है? 20वें जोड़ा। तीसरा ऑप्शन क्या है? 23वें जोड़ा द्वारा। चौथा ऑप्शन क्या है? सभी द्वारा। तो सही आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 23वें जोड़े द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, मानव त्वचा का रोग किस वर्णक के कारण होता है? पहला ऑप्शन क्या है? मेलानिन। दूसरा ऑप्शन क्या है? लिग्निन। तीसरा ऑप्शन क्या है? केराटिन। चौथा ऑप्शन क्या है? जेंथोफिल। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंबर यानी मेलानिन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, त्वचा का मुख संघटक है कौन सा है? पहला ऑप्शन क्या है? मेलानिन। दूसरा ऑप्शन क्या है? लिग्निन। तीसरा ऑप्शन क्या है? टैनिन। चौथा ऑप्शन क्या है? कोलेजन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कोलेजन, ऑप्शन डी, नंबर। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, कुष्ठ रोग लिप्रोसी का जीवाणु पर खोज किसने की? पहला ऑप्शन क्या है? पिनकस। दूसरा ऑप्शन क्या है? फंक। तीसरा ऑप्शन क्या है? हेंसेन। चौथा ऑप्शन क्या है? हेंस। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंबर यानी हेंसेन। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? बसीय अम्ल। दूसरा ऑप्शन क्या है? ग्लिसरॉल। तीसरा ऑप्शन क्या है? अमीनो अम्ल। चौथा ऑप्शन क्या है? ग्लूकोज। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अमीनो अम्ल। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन,
एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन क्या है? लाइसोसोम्स, दूसरा ऑप्शन क्या है? कोशिका भित्ति, तीसरा ऑप्शन क्या है? साइटोप्लाज्म, चौथा ऑप्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ऊर्जा का पिरामिड होता है, पहला ऑप्शन क्या है? उल्टा, दूसरा ऑप्शन क्या है? सीधा, तीसरा ऑप्शन क्या है? वृत्ताकार, चौथा ऑप्शन क्या है? लंबवत। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी, यानी सीधा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अम्ल वर्षा का कारण है, पहला ऑप्शन क्या है? CO2 + SO2, दूसरा ऑप्शन क्या है? NO2 + SO2, तीसरा ऑप्शन क्या है? CO2 + NO2, चौथा ऑप्शन क्या है? CO2 N2। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अम्ल वर्षा का क्या कारण है? पहला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी NO2 + SO2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? यकृत, दूसरा ऑप्शन क्या है? प्लीहा, तीसरा ऑप्शन क्या है? अस्थि मज्जा, चौथा ऑप्शन क्या है? ब्रिग। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ट्रिप्सिन क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? हार्मोन, दूसरा ऑप्शन क्या है? विटामिन, तीसरा ऑप्शन क्या है? एंजाइम, चौथा ऑप्शन क्या है? लवण। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी, एंजाइम। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? पहला ऑप्शन क्या है? 4, दूसरा ऑप्शन क्या है? 6, तीसरा ऑप्शन क्या है? 7, चौथा ऑप्शन क्या है? 9। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी 6। नेक्स्ट देखेंगे क्रोमोसोम शब्द का सर्वप्रथम किसने दिया था? पहला ऑप्शन क्या है? जॉन डॉल्टन, दूसरा ऑप्शन क्या है? हैकस, तीसरा ऑप्शन क्या है? मेलियस प्लांग, चौथा ऑप्शन क्या है? वाल्डेयर। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाल्डेयर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 21 देखेंगे। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहता है? पहला ऑप्शन क्या है? 1/10, दूसरा ऑप्शन क्या है? 1/5, तीससरा ऑप्शन क्या है? 1/10, 1/100, चौथा ऑप्शन क्या है? 1/9। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1/10 भाग क्या होता है? पानी के ऊपर रहता है। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन क्या है? घटता है, दूसरा ऑप्शन क्या है? बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन क्या है? समान ही रहता है, चौथा ऑप्शन क्या है? कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, यानी घटता है। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर। उष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है, पहला ऑप्शन क्या है? चांदी, दूसरा ऑप्शन क्या है? सोना, तीसरा ऑप्शन क्या है? लोहा, चौथा ऑप्शन क्या है? तांबा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए, यानी चांदी। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी हो जाती है, पहला ऑप्शन क्या है? तेज, दूसरा ऑप्शन क्या है? सुस्त, चौथा ऑप्शन क्या है? कोई परिवर्तन नहीं, तीसरा ऑप्शन क्या है? कोई परिवर्तन नहीं, चौथा ऑप्शन क्या है? कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा तेज, यानी जाड़े के दिनों पेंडुलम घड़ी क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 25 नंबर देखेंगे। कैमरे की दीवार शटर पर कौन सा लेंस होता है? पहला ऑप्शन क्या है? उत्तल, दूसरा ऑप्शन क्या है? अवतल, तीसरा ऑप्शन क्या है? नतोदर, चौथा ऑप्शन क्या है? उभयोत्तल। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, यानी उभयोत्तल। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 26 नंबर देखेंगे। नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन क्या है? परावर्तन, दूसरा ऑप्शन क्या है? अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन क्या है? विवर्तन, चौथा ऑप्शन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट 27 देखेंगे। प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, पहला ऑप्शन क्या है? लोहे में, दूसरा ऑप्शन क्या है? पानी में, तीसरा ऑप्शन क्या है? द्रव में, चौथा ऑप्शन क्या है? निर्वात में। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर। लेंस सेवा एवं प्रिज्म के निर्माण में कौन सी कांच प्रयुक्त होती है? पहला ऑप्शन क्या है? क्राउन, दूसरे ऑप्शन क्या है? फ्लिंट, तीसरा ऑप्शन क्या है? पायरेक्स, चौथा ऑप्शन क्या है? सभी। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फ्लिंट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 29 नंबर देखेंगे। लेंस को रगड़ने से उसकी फोकस दूरी, पहला ऑप्शन क्या है? बढ़ जाती है, दूसरा ऑप्शन क्या है? घट जाती है, तीसरा ऑप्शन क्या है? कोई परिवर्तन नहीं होता है, चौथा ऑप्शन क्या है? कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बढ़ जाती है, यानी लेंस को रगड़ने से क्या होता है? उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, पहला ऑप्शन क्या है?
वाट पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन क्या है वाट पर घंटा, तीसरा ऑप्शन क्या है किलो वाट पर घंटा, चौथा ऑप्शन क्या है किलो वाट पर सेकंड। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, यानी किलो वाट पर घंटा। नेक्स्ट देखेंगे 31 देखेंगे, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों होता है। पहला ऑप्शन क्या है इसका क्वथनांक उच्च होता है, दूसरा ऑप्शन क्या है इसका क्वथनांक निम्न होता है, तीसरा ऑप्शन क्या है इसका द्रव्यमान उच्च होता है, चौथा ऑप्शन क्या है इसका द्रव्यमान द्रव्यमान निम्न होता है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर, विद्युत बल्ब धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन क्या है विद्युतीय, दूसरा ऑप्शन क्या है चुंबकीय, तीसरा ऑप्शन क्या है प्रकाशीय, चौथा ऑप्शन क्या है ऊष्मीय प्रभाव। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, साबुन के बुलबुले को यदि आवेशित कर दिया जाए तो उसकी आकृति, पहला ऑप्शन क्या घटेगी, दूसरा ऑप्शन क्या बढ़ेगी, तीसरा ऑप्शन क्या पूर्ववत रहेगी, चौथा ऑप्शन क्या कोई नहीं। सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है जल यानों में, दूसरा ऑप्शन क्या है वायुयानों में, तीसरा ऑप्शन क्या है दूरदर्शी में, चौथा ऑप्शन क्या है रेडियो में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए जल यानों में। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, तत्वों के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है परमाणु तत्व द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन क्या है द्रव्यमान संख्या, तीसरा ऑप्शन क्या है परमाणु संख्या, चौथा ऑप्शन क्या है परमाणु भार। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर, कुहासा फॉग वस्तुतः एक घोल है। पहला ऑप्शन क्या है द्रव में गैस का, दूसरा ऑप्शन क्या है गैस में ठोस का, तीसरा ऑप्शन क्या है गैस में द्रव का, चौथा ऑप्शन क्या है गैस में गैस का। सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, गैस में द्रव का। नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर, निलंबित कणों में सस्पेंडेड पार्टिकल का आकार होता है। पहला ऑप्शन क्या है 10^-1 cm, दूसरा ऑप्शन क्या है 10^-5 cm, तीसरा ऑप्शन क्या है 10^-7 cm, चौथा ऑप्शन क्या है 10^-10 cm। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, कोलाइडिंग कणों का आकार होता है। पहला ऑप्शन क्या है 10^-14 से लेकर 10^-5, दूसरा ऑप्शन क्या है 10^-5 से लेकर 10^-6, तीसरा ऑप्शन क्या है 10^-5 से लेकर 10^-7, चौथा ऑप्शन क्या है 10^-7 cm। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर देखेंगे, पीएच का निर्धारण किसने किया। पहला ऑप्शन क्या है लेवो जियर ने, दूसरा ऑप्शन क्या है प्रिस्टेल ने, तीसरा ऑप्शन ऑप्शन क्या है कैवेंडिश ने, चौथा ऑप्शन क्या है सोरेनसन ने। और सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर, तो शुद्ध जल में हाइड्रोजन का आयन सांद्रण का मान होता है। पहला ऑप्शन क्या है 10^-7, दूसरा ऑप्शन क्या है 10^-5, तीसरा ऑप्शन क्या है 10^-10, चौथा ऑप्शन क्या है 10^-6। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10^-7। नेक्स्ट देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, उदासीन घोल का पीएच मान होता है। पहला ऑप्शन क्या है 5, दूसरा ऑप्शन क्या है 6, तीसरा ऑप्शन क्या है 7, चौथा ऑप्शन क्या है 10। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 7। नेक्स्ट देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। पहला ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए कौन सा है 8 नंबर, दूसरा ऑप्शन क्या है 6 नंबर, तीसरा ऑप्शन क्या है 10 नंबर, चौथा ऑप्शन क्या है 7 से कम। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर यानी 7 से कम, यानी अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है 7 से कम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्षारीय घोल का माप पीएच मान होता है। पहला ऑप्शन क्या है 5, दूसरा ऑप्शन क्या है 6, तीसरा ऑप्शन क्या है 7, चौथा ऑप्शन क्या है 7 से अधिक। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दूसरा नंबर देखेंगे,
अम्ल वर्षा एसिड रेन किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन क्या है? सल्फर के ऑक्साइड के द्वारा, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन क्या है? दोनों, चौथा ऑप्शन क्या है? कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी नंबर, यानी दोनों। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सोडा लाइम का प्रयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन क्या है? ऑक्सी कारक के रूप में, दूसरा ऑप्शन क्या है? अपकारक के रूप में, तीसरा ऑप्शन क्या है? उत्प्रेरक के रूप में, चौथा ऑप्शन क्या है? शुष्क कारक के रूप में। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, यानी शुष्क कारक के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। किस धातु की कमी से हो जाने वाले त्वचा पर खरोंच जैसी दिखने लगती है? पहले ऑप्शन क्या है? सोना, दूसरा ऑप्शन क्या है? लोहा, तीसरा ऑप्शन क्या है? चांदी, चौथा ऑप्शन क्या है? जस्ता। पहला तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, जस्ता। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कार्बन अणु की आकृति होती है, पहला ऑप्शन क्या है? रैखिक, दूसरा ऑप्शन क्या है? अरैखिक, तीसरा ऑप्शन क्या है? घनाकार, चौथा ऑप्शन क्या है? चतुर्फलकीय। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, यानी चतुर्फलकीय। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 6 नंबर देखेंगे। शुद्ध फॉस्फोरस का रंग कैसा होता है? पहला ऑप्शन क्या है? नीला, दूसरा ऑप्शन क्या है? लाल, तीसरा ऑप्शन क्या है? सफेद या श्वेत, चौथा ऑप्शन क्या है? पीला। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, यानी श्वेत। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। दिया सलाई में कौन सा फॉस्फोरस प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन क्या है? श्वेत, दूसरा ऑप्शन क्या है? लाल, तीसरा ऑप्शन क्या है? पीला, चौथा ऑप्शन क्या है? काला। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा 7 का बी, यानी लाल। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ओजोन गैस का रंग होता है, पहला ऑप्शन क्या है? नीला, दूसरा ऑप्शन क्या है? हल्का नीला, तीसरा ऑप्शन क्या है? लाल, चौथा ऑप्शन क्या है? बैंगनी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी हल्का नीला। नेक्स्ट देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन। हेलोजन परिवार में सर्वाधिक ऑक्सीकारक तत्व है, पहला ऑप्शन क्या है? क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन क्या है? आयोडीन, तीसरा ऑप्शन क्या है? फ्लोरीन, चौथा ऑप्शन क्या है? ब्रोमीन। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फ्लोरीन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, पहला ऑप्शन क्या है? कैल्शियम क्लोरेट, दूसरा ऑप्शन क्या है? कैल्शियम हाइपो क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, चौथा ऑप्शन क्या है? कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, 11 नंबर। लोहे का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन क्या है? ढलवा लोहा, दूसरा ऑप्शन क्या है? पिटवा लोहा, तीसरा ऑप्शन क्या है? पिट आयरन, चौथा ऑप्शन क्या है? कास्ट आयरन। सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी पिटवा लोहा। नेक्स्ट देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन। वायुमंडलीय दबाव का मान होता है, पहला ऑप्शन क्या है? 1 पास्कल, दूसरा ऑप्शन क्या है? 10^-5, सॉरी 10^5 पास्कल, तीसरा ऑप्शन क्या है? 10^7 पास्कल, चौथा ऑप्शन क्या है? कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी 10^5 पास्कल। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हीलियम के नाभिक में होते हैं, पहला ऑप्शन क्या है? एक प्रोटीन, दो न्यूट्रॉन, दूसरा ऑप्शन क्या है? केवल एक प्रोटीन, सॉरी प्रोटीन नहीं, सॉरी एक प्रोटोन और दो न्यूट्रॉन, दूसरा ऑप्शन क्या है? केवल एक प्रोटॉन। नेक्स्ट देखेंगे, दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन क्या है? दो प्रोटॉन। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हीलियम के नाभिक में होते हैं, मतलब कितने होते हैं? तो दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन। लाल शीशा है, पहला ऑप्शन क्या है? PbO, दूसरा ऑप्शन क्या है? Pb3O, तीसरा ऑप्शन क्या है? Pb, चौथा ऑप्शन क्या है? कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, Pb3O। नेक्स्ट देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म के निर्माण हेतु तो कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? पहला ऑप्शन क्या है? मिथेन, दूसरा ऑप्शन क्या है? इथेन, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या है? प्रोपेन, चौथा ऑप्शन क्या है? ब्यूटेन। तो सही आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर जो ऑप्शन ए, यानी क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है? पहला ऑप्शन क्या है? क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन क्या है? हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन क्या है? नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन।
इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन ए नंबर यानी क्लोरीन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? पहला ऑप्शन क्या है 102, दूसरा ऑप्शन क्या है 106, तीसरा ऑप्शन क्या है 104, चौथा ऑप्शन क्या है 118। सही आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर जो है इसको ऑप्शन डी यानी 118। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। हाइड्रोजन के रेडियो रेडियोधर्मी समस्थानिक आइसोटोप्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन क्या है ड्यूटेरियम, दूसरा ऑप्शन क्या है प्रोटियम, तीसरा ऑप्शन क्या है रेडियम, चौथा ऑप्शन क्या है ट्रिटियम। ट्रिटियम तो सही आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर ऑप्शन डी यानी ट्रिटियम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है, पहला ऑप्शन क्या है यूरेनियम, दूसरा ऑप्शन क्या है थोरियम, तीसरा ऑप्शन क्या है जीडियम, चौथा ऑप्शन क्या है प्लूटोनियम। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी यानी थोरियम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं, पहला ऑप्शन क्या है बेरिलियम व कार्बन से, दूसरा ऑप्शन क्या है कार्बन से, तीसरा ऑप्शन क्या है सिलिका से, चौथा ऑप्शन क्या है सिलिका एवं बेरिलियम से। तो सही आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बेरिलियम व कार्बन से। नेक्स्ट देखेंगे 21 देखेंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ संक्षारक है? पहला ऑप्शन क्या है जिंक ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन क्या है गंधक, तीसरा ऑप्शन क्या है स्टार्च, चौथा ऑप्शन क्या है साबुन फ्लैग। सही आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 22 देखेंगे। आयरन के प्रमुख अयस्क हेमाटाइट की संरचना सूत्र होता है, पहला ऑप्शन क्या है FeO, दूसरा ऑप्शन क्या है Fe2O3, तीसरा ऑप्शन क्या है Fe3O4, चौथा ऑप्शन क्या है Fe4O2। तो सही आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी Fe2O3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे 23। दूध में निम्न में से किसका उदाहरण है? दूध निम्न में से किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन क्या है जेल का, दूसरा ऑप्शन क्या है सॉल्ट का, तीसरा ऑप्शन क्या है इमल्सन का, चौथा ऑप्शन क्या है फोम का। तो सही आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी इमल्सन का। नेक्स्ट देखेंगे 24 देखेंगे। गैस भंडारण के लिए किस प्रकार का संपीड़न आदर्श होगा? पहला ऑप्शन क्या है समतापीय, दूसरा ऑप्शन क्या है रुद्रोष्म, तीसरा ऑप्शन क्या है बहुउद्देशीय, चौथा ऑप्शन क्या है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी समतापीय। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, वो है पहला ऑप्शन क्या है NaOH, दूसरा ऑप्शन क्या है NaCl, तीसरा ऑप्शन क्या है NaHCO3, चौथा ऑप्शन क्या है Na2O CO3। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर NaOH। कास्टिक सोडा का क्या रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलिन प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है बाष्पीकरण, दूसरा ऑप्शन क्या है प्रभावी आवसन, तीसरा ऑप्शन क्या है आवसन, चौथा ऑप्शन क्या है फिल्टरण। तो सही आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर हो गया ऑप्शन बी नंबर यानी प्रभावी आवसन। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। खाद्य तेलों को वनस्पति में भी किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? वनस्पति घी में सॉरी किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? पहला ऑप्शन क्या है हाइड्रोजनीकरण, दूसरा ऑप्शन क्या है आसवन, तीसरा ऑप्शन क्या है ऑक्सीकरण, चौथा ऑप्शन क्या है क्रिस्टलन। तो सही आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर यानी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा क्या बदला जाता है किसमें? खाद्य तेलों को वनस्पति घी में। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। स्टाइरिन के अवयव हैं हाइड्रोजन और पहला ऑप्शन क्या स्टाइरिन के क्या अवयव है? पहला ऑप्शन क्या है इसका ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन क्या है सल्फर, तीसरा ऑप्शन क्या है क्लोरीन, चौथा ऑप्शन क्या है कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन तो ऑप्शन सही ऑप्शन कौन सा होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कार्बन। स्टाइरीन में कौन कौन सा हाइड्रोजन और कार्बन है। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन।
29 से पहले एक बार 26 का देख लेंगे। 26 में इसको क्या ऑप्शन बी जो सही था वो क्या था, प्रभावी आसवन और आसवन। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका बी का, इसका ऑप्शन हो गया बी नंबर। ये 26 का कौन सा हो गया, 26 का हो गया और प्रभावी आसवन। नेक्स्ट हम देखेंगे 29 देखेंगे। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाए जाने वाली धातु है, पृथ्वी के पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाए जाने वाली धातु है। पहला ऑप्शन क्या है सोडियम, दूसरा ऑप्शन क्या है मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन क्या है तांबा, चौथा ऑप्शन क्या है प्लेटिनम। तो सही आंसर कौन सा हो गया इसका, सही आंसर हो गया ऑप्शन डी नंबर प्लेटिनम। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, हिंजुल चीनावार अशुद्ध अयस्क है। पहला ऑप्शन क्या है तांबा, दूसरा ऑप्शन क्या है लोहा, तीसरा ऑप्शन क्या है पारा यानी HG, चौथा ऑप्शन क्या है सीसा। तो सबसे सही आंसर कौन सा है इसका, हिंगुल सही अशुद्ध अशुद्ध है अयस्क। तो सही आंसर कौन सा है ऑप्शन सी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है। पहला ऑप्शन क्या है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन क्या है हीलियम, तीसरा ऑप्शन क्या है आर्गन, चौथा ऑप्शन क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका 31 का, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर यानी हीलियम। ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है क्या हीलियम। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 32 देखेंगे, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ में है। पहला ऑप्शन क्या है नाइलॉन, दूसरा ऑप्शन क्या है टेरिकोट, तीसरा ऑप्शन क्या है सूती, चौथा ऑप्शन क्या है पॉलिएस्टर। तो सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सूती। नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर, गैसोलीन का पर्याय क्या है। पहला ऑप्शन क्या है डीजल, दूसरा ऑप्शन क्या है पेट्रोल, तीसरा ऑप्शन क्या है प्राकृतिक गैस, चौथा ऑप्शन क्या है कच्चा तेल। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर यानी पेट्रोल। गैसोलीन का पर्याय क्या है पेट्रोल। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 34 नंबर देखेंगे, प्रबल अम्लों में को रखने में मद्यवान बर्तन निम्नलिखित के बने होते हैं। तो किससे बने होता है, पहला ऑप्शन क्या है प्लेटिनम, दूसरा ऑप्शन क्या है पीतल, तीसरा ऑप्शन क्या है तांबा, चौथा ऑप्शन क्या है सीसा। तो सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सीसा। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, बस कणों के आकार का परास होती है। पहला ऑप्शन क्या है 10^-19 मीटर, दूसरा ऑप्शन क्या है 10^-9 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन क्या है 10^-9 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन क्या है 10^-10 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर यानी 10^-19 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला है। पहला ऑप्शन क्या है इसका नाइट्रिक अम्ल, दूसरा है दूसरा ऑप्शन क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन क्या है फॉस्फोरिक अम्ल, चौथा ऑप्शन क्या है कार्बोनिक अम्ल। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर यानी फॉस्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट देखें 37 नंबर क्वेश्चन, हसीस नामक ड्रग निम्नलिखित वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है इसका नीम, दूसरा ऑप्शन क्या है हेम, तीसरा ऑप्शन क्या है गुलाब, चौथा ऑप्शन क्या है तुलसी। इसका सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर यानी हेम। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक अस्त्र के रूप में प्रयुक्त रसायन है कौन सा है। तो पहला ऑप्शन क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन क्या है हाइड्रोजन साइनाइड, तीसरा ऑप्शन क्या है मस्टर्ड गैस, चौथा ऑप्शन क्या है वाटर गैस। तो सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर जो ऑप्शन सी नंबर यानी मस्टर्ड गैस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।